बिजनेस नमस्कार, मेरा नाम है प्रयास, आप देख रहे हैं फ्यूचर बिजनेस इंडिया चैनल। दोस्तों आज आप लोगों को बहुत सारा यार का रिक्वेस्ट था, सर आप सेल पम्प भरने की एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाइए। दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे सेल पम्प किस तरीके से भरा जाता है और सेल पम्प भरने के टाइम पर किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, तो इस चीज़ को आज भी इस वीडियो को दिखाने वाला हूँ। लेकिन दोस्त वीडियो को आप इन तक जरूर देखें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जाते हैं गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद सबसे पहले हम गूगल जाते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे जो सेल पम्प किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी गैलरी साइट से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ग्लोबल ग्लेस यहाँ पे टाइप करना है, तो मेरे नीचे ऑलरेडी है तो मैं ग्लोबल ग्लेस यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। दोस्त सर्च करने के बाद सबसे पहले हम ग्लेस कंपनी का जो वेबसाइट है वहाँ पे जाएंगे। जाने के बाद किस तरीके से सेल फोन डाउनलोड होता है तो उस चीज़ को मैं पहले आपको दिखाएंगे। जब ये पेज आपको आ गया है ना दोस्त, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो गैलरी का लोगो पे एक बार क्लिक कर लेना। जब दोस्त गैलरी के लोगों को क्लिक करके तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ग्लेस कंपनी का जो glacegallery.com वेबसाइट पे घुस गए हम, तो उसमें एकदम स्क्रॉल करके नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहा है, आपको देख लीजिएगा डाउनलोड्स, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा आपको चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी PDF की फाइल पे। तो जैसे आप देख रहे हैं IDSS सर्टिफिकेट, योर प्रोडक्ट कैटलॉग, डिक्लेरेशन फॉर्म्स और आपको एप्लीकेशन फॉर्म। तो मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करता हूँ, क्लिक करने थोड़ा टाइम लेगा दोस्त। ये देखिएगा हमारा नीचे साइड पे कॉर्नर पे क्या होगा, डाउनलोड होना शुरू हो गया। तो ये जब क्लिक किया तो आप यहाँ पे हम क्लिक कर डाउनलोड हो गया, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों ये है हमारा कंपनी का एप्लीकेशन फॉर्म। ये आप इस तरीके से इस साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरीके मैंने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद मैंने इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी है डिक्लेरेशन फॉर्म दोनों किस तरीके से भरा जाता है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो दोस्त सेल फॉर्म भरने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सेल फॉर्म्स अगर सही से नहीं भर पाएंगे तो आपका सेल फॉर्म रिजेक्शन पर डाला दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आप जिस भी स्टेट से काम करते हैं उस भी स्टेट का आपको सेल फॉर्म होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो हमारा कंपनी का जो हेड ऑफिस का जो एड्रेस है, यहाँ पे आप जिसके स्टेट में काम करते हैं जिस भी स्टेट में उस स्टेट का एड्रेस यहाँ पे रहना चाहिए। आप बंगाल का है, यूपी का है, जहाँ से भी है तो आपको वहाँ पे यहाँ पे डिटेल्स एड्रेस रहेगा, तो उसी फॉर्म के अंदर आपको सेल फॉर्म भरना है, ये याद ध्यान रखें। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रेंचाइजर का जो स्टाम्प होना चाहिए, यहाँ पे आपको ID नंबर होना चाहिए, ये ID नंबर भरने की जगह है। उसके बाद दोस्तों हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे जो कॉमन चीज़ें जो चीज़ को भरना आवश्यक है, सिर्फ उसी कॉलम के बारे में हम बताने वाला हूँ। बाकी जो नहीं भरेंगे कुछ तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसी चीज़ के बारे में हम नहीं बताने वाला हूँ। जिस फॉर्म को आपको मतलब भरना आवश्यक है, जिस जगह जगह पे आपको फिलअप करना ज़रूरी है, उसी वही चीज़ को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो जिस अप्लायर से आप यहाँ पे अप्लाई करवा रहे हैं उसकी पूरा नेम फुल नेम कैपिटल में यहाँ पे भरना है। और एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे जो भी चीज़ आप भरेंगे वो ब्लू कलर का मतलब जो इंक से आपको इस जगह फिलअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसकी नेम डालना है, यहाँ पे उसकी लास्ट नेम डालना है, उसके बाद यहाँ पे उसकी एक फ़ोटो चिपका हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे उसकी एक सिग्नेचर होना चाहिए, IR का सिग्नेचर, जो IR न्यू ज्वाइनिंग कर रहे हैं उसकी सिग्नेचर। उसके बाद मैं बता दूँ यहाँ पे उसके बाद सेकेंड जो ऑप्शन रहते हैं को एप्लीकेंट, तो के एप्लीकेंट आपको अगर आप चाहे आपके साथ किसी के साथ मिलकर बिजनेस को करना चाहते हैं तो उसकी लिए आपको को एप्लीकेंट है, लेकिन ये आपको भरना नहीं है। अगर आप को एप्लीकेंट करना चाहेंगे किसी के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं तो को एप्लीकेंट कर सकते हैं, अगर आप सिंगल करना चाहते हो तो इस चीज़ को छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको आता है जो मेन एप्लीकेंट का जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे उसकी डेट लिखिए, उसकी बात मंथ लिखिए, उसके बाद ईयर लिखिए, उसके बाद उसकी कितना उम्र हुआ है यहाँ पे डालें, उसके बाद वो मेल या फीमेल यहाँ पे डालें, उसके बाद वो कौन सी प्रोफेशन में था आने से पहले उसको यहाँ पर डाल दें। उसके बाद आपको फिर से आ रहा है को एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ, तो मैं फिर से बता दूँ को एप्लीकेंट आप यहाँ पे अगर भरे नहीं तो यहाँ पे भी आपको भरना नहीं है। उसके बाद आपको आता है यहाँ पे एड्रेस के बारे, तो यहाँ पे एड्रेस का बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, तो आपको ये दोनों
जिसको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है सिटी विलेज, यहाँ से आपको शुरुआत करना है। वो जिस भी विलेज में रहते हैं विलेज का नाम डालना है या सिटी का डालना नाम डालना है, उस विलेज या सिटी का जो है पोस्ट ऑफिस का है उसकी नाम डालना है, उसकी पिन कोड डालना है, स्टेट यानी कौन से स्टेट से है वो स्टेट डालना है या फिर उसकी डिस्ट्रिक्ट डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये दोनों चीज़ को छोड़ देना है, डायरेक्ट जाके आपको यहाँ पे 911 यहाँ पे टाइप करना है, क्योंकि 911 हम लोग को इंडिया का कोड होता है और इसमें आपको पूरा जितना भी आपको उसका 10 डिजिट का जो नंबर होता है यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको पैन कार्ड ऑप्शन ये भी आप भर सकते नहीं भर सकते कोई, अगर पैन कार्ड नंबर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे अप्लायर पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको बेनिफिशियरी जो नेम है दोस्त, यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी मतलब नॉमिनी नेम, जिसके आप नॉमिनी पे डालना चाहते हो तो उसकी नाम यहाँ पे डालना है, उसकी लास्ट नेम आपको यहाँ पे डालना है, फर्स्ट नेम यहाँ पे, लास्ट नेम यहाँ पे, और क्या रिलेशन है वो आपको मदर्स है तो यहाँ पे मम्मी का मदर्स लिखना है, या पापा है तो यहाँ पे फादर्स लिखना है, जो भी है आपके रिलेशन में आता है तो यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद आता है दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर की बारी, तो यहाँ पे जिस डेट पे आप फ्रेंचाइजी में फॉर्म फिलअप कर इसकी डेट निकालना है, यहाँ पे जो अप्लायर है उसकी सिग्नेचर करना है। तो ध्यान रखें सिग्नेचर इसी तरीके से होना चाहिए, इसके ऊपर से जाके यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए, और ये जो चीज़ें इसके छोड़ना है इसमें कोई प्रोकर आपको शेरखानी नहीं करना है, क्योंकि को एप्लीकेंट का है, पहले को एप्लीकेंट दिखाया था, को एप्लीकेंट अगर भरेंगे तो ये लिए लगता है। यहाँ पे थाम का भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे सिग्नेचर करें। देखिए यहाँ पे बहुत सारे इंसान गलती करते हैं, सिग्नेचर भी करते हैं थाम भी लगाता है, यहाँ पे अप्लिक देखो सिग्नेचर अप्लिक थाम, या अगर आप सिग्नेचर करना नहीं आता है तो आप यहाँ पे थाम लगाइए, लेकिन अगर आपको सिग्नेचर करना आता है तो थाम लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको आता है स्पॉन्सर नेम, जो स्पॉन्सर करवा रहा है इसकी नेम और यहाँ पे लास्ट नेम पूरा भरना है, उसकी आईडी नंबर डालना है, उसकी मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद अपना जो स्पॉन्सर का जो आरडी है, आरडी सर का नाम डालना है, आरडी सर का आईडी नंबर, आरडी सर का मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे स्पॉन्सर का पूरा सिग्नेचर करना है, यहाँ से शुरुआत करके डायरेक्ट इस तरीके से सिग्नेचर को कंप्लीट करना है, यहाँ पे किसी आरडी सर का सिग्नेचर करवाना है। उसके बाद गेस्ट का और दो जगह पे सिग्नेचर करना ज़रूरी है, ये यहाँ पे एक सिग्नेचर करना है जहाँ पे एरो चिन्ह दिखाई दे रहा है ऊपर से यहाँ तक, और यहाँ पे एक भी सिग्नेचर होना चाहिए, ये जो एरो चिन्ह दिखाई दे रहा है यहाँ से भी सिग्नेचर होना चाहिए। टोटल आपको फ्रंट पेज पे गेस्ट का 4 सिग्नेचर होना चाहिए, 1, 2 यहाँ पे 3 और आपको ऊपर में होना चाहिए 4, ये 4 सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट फॉर्म का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें जाते हैं, इसमें आपको बारी बारी से कंपनी के टर्म्स कंडीशन लिखा हुआ है, इसके बारी बारी से पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे भी सेम एरो चिन्हों है, यहाँ पे भी ऊपर से सिग्नेचर करवाए इसी तरीके से, दोनों तरफ दिखाई दे रहा है ये इसी तरीके से सिग्नेचर करवाए। उसके बाद नीचे जाए, नीचे जाने के बाद भी यहाँ पे भी सेम सिग्नेचर करवाए, यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से सिग्नेचर करवाए, उसके बाद लास्ट में यहाँ पे एक सिग्नेचर करवा दे। ये हो गया आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है। मैं वीडियो बड़ा होने की वजह से मैं शॉर्टकट में आपको बहुत जल्दी में इस चीज़ को करवा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको एप्लीकेशन भरने की नॉर्मल प्रोसेस है, इसी तरीके से अगर एप्लीकेशन सही तरीके से भरोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई रिजेक्शन नहीं आएगा। और इसे ध्यान रखें एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पे आप एकदम कोई काट सट ना करें, एकदम नीट एंड क्लीन करें, उसमें किसी प्रकार व्हाइटनर का इस्तेमाल ना करें, ये बहुत ही अच्छी तरीके से ठंडी माहौल में बैठ के बनाएं। और सेकेंड जो ऑप्शन आता है डिक्लेरेशन फॉर्म, तो डिक्लेरेशन फॉर्म पे में हम जानते हैं जाने के बाद यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं डिक्लेरेशन फॉर्म, तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे एक फ़ोटो आपको चिपकाना पड़ता है, यहाँ पे एक फ़ोटो चिपकाना है आपको, उसके बाद जाके यहाँ पे जिस भी डेट है उस डेट आपको यहाँ पे डालना है, जिस डेट पे आप फॉर्म भर रहे हैं उस डेट, यहाँ पे प्लेस मतलब आप जिस भी फ्रेंचाइजी में रहते हैं तो फ्रेंचाइजी का कोड डाल देना। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन जो किए है अप्लाई एप्लीकेंट का जो यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे करना है, जिस जो गेस्ट है गेस्ट का सिग्नेचर करवाना है, जो सिग्नेचर आप एप्लीकेशन फॉर्म पे करवाया है यहाँ पे उसकी थंब एक थंब चिपका दे। उसके बाद आपको नेक्स्ट नीचे जाना है, यहाँ पे भी सेम आपको डेट डालना है, सेम यहाँ पे फ्रेंचाइजी कोड, यहाँ पे स्पॉन्सर का सिग्नेचर करवाना है, करवाना के बाद यहाँ पे भी एक स्पॉन्सर का थंब लगा लेना है, इसका भी सेम भी उसके भी सेकेंड पार्ट में जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं फोटो आप लगा सकते हो नहीं लगा सकते कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे भी आप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे अप्लायर जो है एप्लीकेंट का सिग्नेचर एप्लीकेंट का थाम लगाना है, वहाँ पे डेट देना है और यहाँ पे भी आपको फ्रेंचाइजी कोड डालना है, यहाँ पे भी स्पॉन्सर का सिग्नेचर है स्पॉन्सर का थाम लगाना है
और यहाँ पे आपको डेट देना है और फ्रेंचाइजी कोड डालना है। तो इसी तरीके से आप सेल फॉर्म और डिक्लेरेशन फॉर्म अगर भरेंगे तो आप किसी प्रकार का रिजेक्शन नहीं आएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। और वीडियो दोस्त अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम हमेशा इसी तरीके से वीडियो अभी ले आने के लिए कोशिश करेंगे आप लोगों की सपोर्ट रहे। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, साथ ही साथ कमेंट करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को प्रमोट करें। सो थैंक यू।